देखो जी, मैं ये जानता हूँ जो इस जगह में आपके नंगे ढांग के सामने जो सेब यहाँ बनना चाहिए ना, किन्नौर को फेल करना चाहिए। सही बात है, अगर आप सही तरीके से काम करोगे। पहली बात, खाद बहुत जरूरी है सेब के लिए, गोबर से नहीं चलेगा। सर ये खाद कौन कौन सी डाली? सर खाद डालनी पेटी के हिसाब से कि आपकी कितनी पेटी निकल रही है पेड़। डालनी कौन सी है सर? नाइट्रोजन भी चाहिए, फॉस्फोरस भी चाहिए, पोटाश भी चाहिए। जो मैं अपना करता हूँ, नाइट्रोजन डालता हूँ मैं 1 किलो 100 ग्राम एक पेटी के पीछे, 100 ग्राम एक पेटी के पीछे। मान लिया कि 10 पेटी का पेड़ है, 1 किलो डाल दिए, 10 पेटी अगर निकली उसमें 80% चाहिए फल को, 20% चाहिए पेड़ को। अगर सेब नहीं है तो उसकी मात्रा कम कर लो, 20% पे रख लो, 200 ग्राम पे रख लो। पर अगर आप पॉलिनेटर आपके पास और प्रूनिंग संग ढंग के, तो फसल ना लगे, खादे पड़ रही है तो फसल ना लगने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सर ये डालने का समय? सबसे जरूरी है नाइट्रोजन डालना सीजन के एकदम बाद, तुरंत। वो अगले साल की फसल के लिए बहुत फायदेमंद है। पोटाश फरवरी मार्च में, सूफला वगैरह तो कभी भी डाल दो ना सर्दी में, सुपर जब मर्जी। अच्छा सुपर, सुपर ऐसा करो ना, ज्यादा डालो पर डालो 3-4 साल में एक बार। और कोई भी खाद मिलाई नहीं जाती मिट्टी में सुपर के अलावा, नुकसान होता है। जो खाद आप घास पे डाल दो उससे घास जलेगा ना, अगर उसको मिलाएंगे तो जड़ी होगी ना जो पेड़ की, वो भी जलेगी। ऊपर मिट्टी में मिलानी ऐसे डालने। और यूरिया अगर आप डाले तो एक कंडीशन है कि मिट्टी गीली होनी चाहिए, आप फट जाए उसी वक्त डालते, या थोड़ा घास हो, नमी होनी चाहिए, मतलब हल्की फुल्की। हाँ, और जैसे ये सुफर वगैरह ये मिट्टी में मिलानी है, जड़वा तक होती है जहाँ तक टहने उससे डबल होती है जड़े बार, मतलब खुदाई। पर जो जिसमें रूट रॉट बोलते हैं आप, इतने से मैं गोबर डाला है तरने के साथ, जहाँ न डाला वहां तो कुछ पन्ना नहीं चाहिए। तने से कितने दूर डाल दी? बड़ा पेड़ है तो 2 फुट कम से कम, और वो जानी चाहिए आगे वहां तक, चारों साइड ऐसे ना बखेर के दूर दूर जड़े बहुत आगे तक होती है। जहाँ उन्होंने गोबर डाला वहां तौलिया ही होना, वहां सिर्फ ऐसी सेल की मिट्टी कुछ देनी है, क्योंकि उससे आपके बोरर होगा अगर वहां आप ऐसा रखेंगे। और खादों के बगैर सेब नहीं लगते, स्पेशली नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो आजकल कम डाल रहे हैं सर, ऑक्सीजन से बाद डालनी थी, एकदम सीजन के बाद, एकदम बाद डालनी थी, या फिर 15-20 दिन के बाद। हाँ तो लेट डाल दें, अब नहीं डालनी, अब 15-20 दिन तो बहुत लेट हो जाता है, या फिर वो पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते होने की पेड़ में तो जब पड़ के आप पत्ते के बाद, मतलब 10 दिन बाद डालनी पड़ेगी ना, जब डाली नहीं आपने तो उसका अगले साल की फसल के लिए इतना फायदा नहीं होगा। सेटिंग के लिए, सेटिंग के लिए वही सीजन वाली बात वाली काम आती है। नहीं सर, अब जो नई डालनी इसके बाद मतलब डाल सकते हैं मार्च में, वो तो डालनी पड़ेगी ना, तो ग्रोथ क्योंकि हमने नहीं डाली सर, जब डाले तब तक बर्फ लग गई सर, आपको डालनी। कटिंग का क्या है सर, स्टार्टिंग मतलब सीजन के बाद? कटिंग जब आपके पास टाइम लगता, टाइम कहाँ होता है इस वक्त तक, यहाँ कटिंग फारिक हो जानी चाहिए थी इस टाइम। तो कोई बोलता है कि हाँ जी पत्ते झाड़ देने चाहिए थे आपको अभी तक। अच्छा पत्ते झड़ने की बात कर, झड़ने नहीं झाड़ देने, यूरिया स्प्रे, उसमें जिंक सल्फेट अगर बीमारी स्कैब है तो कॉस्टिक सोडा करो। अच्छा कॉस्टिक सोडा भी, अगर भी स्कैब है तो कॉस्टिक सोडा सर, मैंने लगे पतझड़ की जांच कराए तो अभी करोगे ना उसका फायदा अगले साल मिलेगा, क्योंकि जो बीमारियां पेड़ में ना वो खत्म हो जाएगी, थोड़ी बहुत कहीं मिट्टी में उसमें होगी तो उससे पतझड़ अगले साल आपके कम होगा। जो ये जड़ सड़ना सर, उसके क्या जड़ सड़ना मेरे को तो कहीं दिखाई नहीं, बहुत सारे आप अब मैंने जो जख्म बताया ना आपको उससे वो ज्यादा है जड़ सड़ना आपके लिए, लो हाइट में सर, हाइट में नहीं है क्या आपके पानी रुक रहा तरने के बाद? और दूसरी बात, कभी भी तरने के पास कोई भी दवाई डालने के लिए खुद मत, अगर डालनी तो ऊपर से डालो जो पानी तो सर हमने एक बार इसको खाली किया, मतलब वही तो वही तो उसमें मूलिया फट लग गया, वही तो बीमारी है आपकी, और क्या बीमारी है? नहीं जैसे जड़ सड़न लग गई ना उसमें, वो खाली करके फिर एक सीजन में मतलब ऐसे रखा तो बस उसके बाद 2-4 साल बाद पेड़ सूख गया होगा। जड़ सड़न नहीं लगता कभी भी इतनी आसानी से इस जगह में, स्पेशली जहाँ पे
यहाँ तो बहुत सारे बगीचे खाली हो गए सर। अरे मैं तो सारे में घूम गया हूँ सर। इधर नीचे देखा सर आपने? नीचे भी मैं देखते देखते बहुत सारा बोरर से तो मैं मान सकता हूँ खत्म हो सकते हैं जड़ सड़न। नहीं बोरर नहीं इधर है, नीचे नीचे बोल रहा हूँ। छोटे पेड़ में बड़े बड़े में छोटे जड़ सड़न जो अभी दिखाए थे जिन्होंने पर बगीचे वो कुछ और चीज इनके इनकी अपनी गलती है ना। इन्होंने पानी रोक रहा पेड़ के पास, पानी तो रुकना चाहिए तने के पास। नहीं नहीं डलानदार जगह में भी है जड़ सड़न की शादी। अरे समझे नहीं, मैं सुबह भी गया था, मेरे को स्पेशल लेगी हेलीपैड पार जड़ सड़न है, कोई जड़ सड़न नहीं था। सबसे बड़ी बात है आप जख्म बहुत है प्रोनिंग में जो मैंने जैसे दिखाया आपको। अच्छा वही कारण है, वो भी बहुत बड़ा कारण है आपके पेड़ खराब होने का। और लीडर को आप छोटा रख रहे हैं, साइज की टहनी बढ़ा रहे हैं, वो भी एक कारण है। ऊपर से लीडर फिर सूख के आ जाता टहनी का। ये चूना नहीं रहा, थोड़ा काम करता है ट्रिंचिंग का। हाँ किसी हद तक करता है, अगर पेड़ आपका बिल्कुल नहीं मरा खाली नहीं करनी हो तो प्रॉब्लम है। ऐसे डालो ऊपर से, पर जब डालोगे तो नमी होनी चाहिए। ये चूना वगैरह बिखर के डालना ऊपर से, सब कुछ ऊपर से जी, कुछ मतलब खुदान कुछ नहीं करना। आप चूना डालते हैं आप खा जलते हैं, जलते हैं ना, तो उससे जड़ भी जलेगी अगर आप खुदान करेंगे उसका। माथा में नो सर, ये कीड़े क्यों लगते हैं? जो मोटा मोटा कीड़े होते हैं तो जड़ को पकड़ता है और सीधे चांद तक जड़ है, इसलिए लगते हैं क्योंकि आपने वहाँ पेड़ के पास घास फूस रहने देते हैं। और वहाँ अगर होगा घास फूस तो वहाँ कीड़ा जरूर लगेगा। अगर आप इतने दायरे में साफ रखेंगे उसको तने के साथ बाहर तो वहाँ नहीं कीड़ा लगेगा आपके। मेरे पास तो एक बगीचा खत्म कर दिया, खत्म कर दिया तो आपने कुछ उगाया होगा पेड़ों के पास या फिर वहाँ घास लाने दिया होगा। नहीं उगाया कुछ नहीं, घास उखाड़ के डाल सकते वहाँ पे सर। नहीं उससे तो और ज्यादा लगे, तौले में डालोगे। मैं वो दायरा वो पोर्शन साफ रखना आपने पेड़ के तने से, एक फुट बिल्कुल सफाई, एक दो फुट खाली रखना। वो उड़ के आता है कीड़ा, वो अंडा देता है, अंडा देता है टूट जाता है। सर जैसे वैरायटीयां चेंज कर रहे हैं सर, जैसे 8 किलो 8 किलो उसके बाद कौन कौन सा सेब मिलेगा? लो हाइट में आज भी स्कारलेट सबसे अच्छा सेब कोई नहीं है। कौन सर? स्कारलेट सबसे अच्छा लो हाइट के लिए। और हाइट के लिए सर हाइट डिपेंड करता है कौन सी हाइट है। अगर तो मेरी सुनिए तो खट्टी मीठी वैरायटी लगाओ, ज्यादा पैसा दे रहे हैं मेहनत कम है। ग्रैनी स्मिथ गाला क्रीम सम के ऐसे चीज लगाओ, गाला वगैरह गाला ग्रीन स्मिथ वगैरह ज्यादा पैसा दे रहा है। पोलिनेटर भी हो ग्रीन स्मिथ में बढ़िया। और आपको सबसे बड़ी कमी पोलिनेटर की है, पोलिनेटर बहुत कम है आपके। नए रॉयल के लिए कौन सा पोलिनेटर ठीक है? ग्रैनी स्मिथ, पिंक लेडी, विंटर बनाना, गोल्डन स्पार, कोई भी ले लो, गाला भी करता है, गाला भी करता है, गोल्डन है, गोल्डन और रेड गोल्ड। अगर हल्की 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 ठंड पड़ेगी और बारिश होगी तो काम नहीं करेगा। जैसे दूसरे ऐसे पॉल्टे रखे जैसे अभी आपने, ये पॉल्टे किसी काम के नहीं, वैसे रखे बाकी नहीं है। ये सब पता क्या जैसे फ्लावरिंग होती है तो हम मतलब वो लगाते गमले लगाते ना सर, उसके लिए मतलब ऐसा करो ना आप सब कुछ लोग पैसे इकट्ठे करके एक गाड़ी भेजो नेटवार होके उधर मेरे घर, कल में कोई बोरी पॉल्टे की मैं दे दूंगा आपको फ्री में, सिर्फ गाड़ी का खर्चा कर लेना आप। बंदे ऐसे होते ना जो आते ना दो तीन, फिर वो बाकी कौन देते? मुफ्त में सिर्फ मैं देता हूँ और कौन देता फ्री में। कल मैं पॉलिनेटर के मैं आपको कट्टा भर के दे दूंगा, एक यहाँ से लेकर पहाड़ तक सब लगाओ। नंबर कुछ पार्टी मिल गए आपके 94। और मेरे से भाई बंदे नहीं निभानी फोन पे, सीधी बात बनी जी मैं यहाँ से बोल रहा मेरे काम है। काम की बात सीधी सी बात पॉइंट पे बात करो क्योंकि मेरे को बहुत फोन आते हैं, अगर मैं भाई बंदी करने लग गया तो फिर वो फोन काम की बात छूट जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।